हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और बड़ी खबर निकल के आई है। अब बाजार कल चुबन होने के बाद एक कंपनी ने यहाँ पे ऐलान किया है डी मर्जर का, और इस कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद डी मर्जर का कर दिया है बड़ा ऐलान, और इस शेयर में आज हो सकता है बड़ा एक्शन। मंगलवार के कारोबार के दौरान बीएसई स्टॉक्स में दोस्तों 1.5% की यहाँ पे गिरावट के साथ यहाँ पे 129 के स्तर पर यहाँ पे ये बंद हुआ है, और स्टॉक का साल का उत्तम हाई की बात करें 159 के लगभग इसका साल का उत्तम हाई है, और साल का न्यूनतम जो अगर लो की बात करें बाउंड भी का लो की बात करें दोस्तों वह है 104 के लगभग का लो है। तो जानते हैं इस कंपनी कौन सी कंपनी है और आपको सारी कंपनी दोस्तों डेल्टा कॉर्प के स्टॉक्स में अगले सत्र में एक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे दोस्तों ऐलान यहाँ पे कर दिया है वो कंपनी के हॉस्पिटलिटी और यानी कि हॉस्पिटल का जो उनका बिजनेस है और रियल एस्टेट का जो कारोबार है उनको डी मर्जर करने का यहाँ पे ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह जानकारी बाजार के बंद होने के बाद यहाँ पे दी है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 24 सितंबर 2024 को हुई बैठक में डी मर्जर को मंजूरी दी गई है। डेल्टा कॉर्प के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डी मर्जर के बाद अगर कंपनी के दोस्तों शेयर में बाजार में लिस्ट होगी और कंपनी के शेयर धारकों को उनके हर एक शेयर पर नई कंपनी का हर एक शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह कि डेल्टा कॉर्प के जो शेयर अगर लिस्ट होता है दूसरी कंपनी तो आपको एक शेयर के बदले एक शेयर दूसरी कंपनी का लिस्ट होती ही मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। दूसरी प्रमुख खबर है और बहुत बड़ी खबर निकल गई है, भारत की डिजिटल उड़ान कोलकाता में लगेगा पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। इसके लिए जल्दी ही यहाँ पे प्रतिक्रिया तेज हो रही है यहाँ पे, और इस बार कोलकाता में रक्षा संबंधित देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा भारत अमेरिका के बीच इस महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजना की घोषणा तो विल मिंटगन ने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता के बीच यहाँ पे दोस्तों की गई है। तो अमेरिका के साथ अनेक परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा, जो दोनों देशों के सैन्य साजो सामान के साथ साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप का भी यहाँ पे उत्पादन करेगा। तो कुल मिलाकर बात है दोस्तों यहाँ पे सेमीकंडक्टर के जो शेयर्स है उनमें यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में बड़ा यहाँ पे तूफानी तेजी आपको देखने को मिल रही है। सुना आपने तूफानी तेजी, यानी कि हर एक सेक्टर में एक अपना अपना समय होता है। जैसे जिस प्रकार पावर सेक्टर का समय आया और पावर सेक्टर के शेयर नीचे से लो से कहाँ कहाँ पे बड़ा मल्टीपल रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। उसके बाद रेलवे सेक्टर का नंबर आया, रेलवे सेक्टर देखते कहाँ से कहाँ IRFC RVNL 30-30 रुपये का शेयर हुआ करता था भाई साहब, 700-700 रुपये के आसपास के लगभग पहुंच गया, ये देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी शेयर्स में भी जबरदस्त तेजी देखने मिली, सुजलोन देखे 2 रुपये का शेयर था 90 रुपये पहुंच गया। उसी के अनुसार वो भी बहुत सारे जो एनर्जी के जो शेयर थे वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे है जो सेमीकंडक्टर के शेयर ऑलरेडी यहाँ पे चल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और आने वाले दिनों में और भयंकर यहाँ पे तेजी इन शेयरों में यानी कि इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेकर निवेश यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एजुकेशन पर्पज की दृष्टि को आप बात भी कर सकते हैं। खत्म हुआ स्विगी के जो IPO का इंतजार, कब तक लॉन्च होगा दोस्तों स्विगी का जो IPO, बड़ा इंतजार है लोगों का। जिस प्रकार जोमेटो का IPO आया उस प्रकार स्विगी का IPO भी आने वाला है, और जोमेटो का शेयर आपको पता है 40 रुपये से शेयर भाई साहब पहुंच गया है 300 रुपये। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जोमेटो के लिए। वैसे स्विगी का IPO के अंदर यहाँ पे बात चल रही है कि स्विगी बहुत बड़े यानी कि IPO के अंदर ये यानी कि मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, यानी कि अच्छे यानी कि प्रीमियम पर लिस्ट होता है दिखाई दे सकता है। तो फुल डिलीवर कंपनी यानी कि स्विगी की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है, और स्विगी के IPO का इंतजार कर रहे हैं तो खबर आप लोगों के लिए है दोस्तों। ये खबर किसके लिए दोस्तों? आप लोगों के लिए दोस्तों ये खबर है। दरअसल स्विगी के IPO को सेबी की मंजूरी मिल गई है। बता दें प्रोसेस और सॉफ्टबैंक संबंधित कंपनी स्विगी ने IPO शुरू करने के लिए कोपने तरीके से ड्राफ्ट फाइलिंग की थी। अब सेबी की मंजूरी के बाद IPO लॉन्च करने का रास्ता यहाँ पे साफ हो गया। शेयर बाजार में कंपनी का कंपटीशन जोमेटो से होने वाला है। सुना आपने, इस प्रकार मैंने आपको पहले ही कहा कि जोमेटो पहले ये जो कंपनी है फूड डिलीवरी कंपनी है, वैसे स्विगी है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि दोनों में यहाँ पे अब यानी कि कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो 2022 में यहाँ पे गोपनीय फाइल यहाँ पे रखी थी। आपको बता दें सेबी ने यानी कि नवंबर 2022 में गोपनीय फाइलिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया था डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म टाटा प्ले और में टाटा स्काई IPO के लिए सेबी के पास यहाँ पे गोपनीय का दाखिल करने वाली पहली फर्म थी। हालांकि कंपनी ने अपनी लिस्टिंग योजनाएँ यहाँ पे रद्द यहाँ पे कर दी है। तो ये यानी कि टाटा जो प्ले का जो IPO है वो भी यहाँ पे रद्द हो गया, लेकिन अब स्विगी के यहाँ पे निवेशक है तो जिसकी प्रोसेस यहाँ पे तेज हो गई है। तो आपको दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, और अभी स्विगी का IPO जल्दी इस साल लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा यानी कि पूरी जो प्रोसेस के अनुसार जो मीडिया से खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार दोस्तों ये बताया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों।